स्वामी जी, आज हम देख रहे हैं कि जितने भी हमारे ये धर्म दर्शन है उसके अंदर कुछ बातें कॉमन आती है। जैसे कि जैन धर्म को लीजिए, उसके अंदर अंतर मुहूर्त की बात आती है। अंतर मुहूर्त और भी धर्म दर्शनों में आता है, लेकिन जैन धर्म में तो जगह जगह आगमों में अंतर मुहूर्त का वर्णन किया है। वो मतलब एक समय से लगा के 48 मिनट तक का अधिकतम समय होता है। सामायिक को लीजिए, 48 मिनट की होती है। और बहुत से जो गुणस्थान आत्मा का विकास मानते हैं, वह भी जो है वो कुछ गुणस्थान अंतर मुहूर्त के, बहुत से गुणस्थान अंतर मुहूर्त के, और वीतराग होने के बाद से केवल ज्ञान होने का समय भी अंतर मुहूर्त है, 12वें से 13वें गुणस्थान का। तो ये अंतर मुहूर्त जो है, आपके इस जो कुदरत का कानून है, प्रकृति का नियम है, उसमें किस तरीके से अंतर मुहूर्त को हम डिफाइन करेंगे, कृपया खुलासा कीजिए। ये जो कुदरत का कानून है, वो कुदरत का कानून ऐसा है कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में अंदर कुछ एबनॉर्मल चीज पाना चाहते हैं, जिसको हम सिद्धि मानते हैं या शक्ति मानते हैं, इसको पाना चाहते हैं, या तो दुनिया का जो सनातन सत्य है वो पाना चाहते हैं, या तो खुद की अनुभूति करना चाहते हैं, जिसको हम केवल ज्ञान बोलते हैं। ये सब कुछ पाने के लिए ये कुदरत का एक ऐसा कानून है कि कोई भी व्यक्ति कोई भी मंत्र के ऊपर या कोई भी प्रयोग करता है तो उसके अंदर 48 मिनट की अगर साधना करता है बिना विक्षेप बिना भेद, तो मंत्र भी सिद्ध हो जाता है, वो शक्ति भी सिद्ध हो जाती है, और 48 मिनट तक जो आत्मा के बाहर एक समय के लिए निकलता नहीं है तो उनको केवल ज्ञान परमानेंट हो जाता है। तो यानी कुदरत के अंदर एक कानून ऐसा है, जो कुदरत का लॉ ऐसा है कि कोई भी व्यक्ति को अगर कोई भी प्रकार की सिद्धि प्राप्त करनी है तो उनका कॉन्सेंट्रेशन विदाउट ब्रेक 48 मिनट होना चाहिए। और ये 48 मिनट्स में थोड़े समय के लिए भी विक्षेप आएगा तो आपका कार्य सिद्ध नहीं होगा। उसका मतलब ये नहीं है कि 48 मिनट की सिद्धि को अनुभव करने के लिए आप कुदरत के कानून जो है, जो कर्म का फल है, इसको आप बदल सकते हैं, ये कुदरत नहीं कहती है। कुदरत ये कहना चाहती है कि आपको 48 मिनट कॉन्सेंट्रेट करोगे तो सिद्धि होगी, मगर वो सिद्धि भी तब होगी जब आपने अगले अवतार में बीज डाले हैं, तभी ये शक्ति आपको इस वर्ष में प्रकट होगी और आपका कार्य हो जाएगा। तो यहाँ भी कोई चमत्कार की बात मत समझे, सिद्धांत तो सिद्धांत होता है, मगर ये सिद्धांत कैसे सिद्ध होता है उनका ये प्रयोग है 48 मिनट का। तो जो व्यक्ति को प्रयोग सिद्ध होना है, कोई सिद्धि प्राप्त होना है, कोई प्रयोग में सफलता मिलनी है, या तो अंतिम केवल ज्ञान प्रकट होना है, तो उनका कॉन्सेंट्रेशन 48 मिनट बिना विक्षेप हो जाता है, अपने आप वो कार्य में परिवर्तन हो जाता है। मगर ये परिवर्तन होना ये आज का पुरुषार्थ नहीं है, ऐसा बीज डाला है तभी उदय कर्म के अंदर ये शक्ति आएगी और रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि एक सिद्धांत हम बार बार कहते रहेंगे और आप बार सुनते रहेंगे और समझते रहेंगे, मन वचन काया को चलाने की स्वतंत्रता हमारे पास नहीं है, ये बिल्कुल ध्यान में रखना है। तो अगर कोई व्यक्ति ने सिद्धि प्राप्त कर लिया अपने मन से, अपने वचन से, या तो अपने काया के माध्यम द्वारा, तो उसका मतलब ये हुआ कि यही कर्मों का उसका फल था। हाँ, मगर फल तब मिलता है जब आपने बीज डाला है, तो कीमत बीज की है, फल तो अपने आप कुदरत ही संजोग आपको इकट्ठा करवाएंगे जिसके द्वारा आपको रिजल्ट मिलेगा। तो सिद्धांतों को ध्यान में रख के आध्यात्म के मार्ग में, या तो सनातन सत्य को, या तो आर्ट ऑफ विजन को, स्पिरिचुअल मार्ग को समझने की कोशिश करोगे तो हर बात आपको अपने आप स्वयं समाधान के रूप में मिलेगी, सिद्धांत के रूप में मिलेगी, और आपके जीवन में जो भी प्रश्न उठते हैं वो प्रश्न का उत्तर आपको लॉ ऑफ नेचर के मुताबिक मिल जाएगा।
बाद में जीवन में कभी असमाधान नहीं रहेगा।